इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप लोग स्कॉलरशिप कैसे चेक करोगे। गाइज अगर आप लोग इंटर में हो या आप ग्रेजुएशन बीए फर्स्ट ईयर बीए सेकेंड ईयर में हो तो आप लोगों को अपना स्केल जो है स्कॉलर चेक कर लेना चाहिए, स्टेटस चेक कर लेना चाहिए एक बार कि आया है या नहीं आया, क्या दिक्कत है आपके अकाउंट में। अगर आप लोग पहले से ही चेक कर लेते हो तो उसका सुधार हो सकता है, आपको स्कॉलर मिल जाएगा, नहीं मिला है तो सारा कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं किस तरह से स्टेटस चेक करोगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपके समझ में आ पाएगा। तो गाइज आपको ना पछताना पड़ जाएगा, आपका स्कॉलर नहीं आएगा। तब आपको क्या करना, आपके पास मैं फिलहाल लैपटॉप पर यहां चेक करके दिखा रहा हूं, मैं यहां पर अपने लैपटॉप से चेक करके दिखा रहा हूं। आप चाहे तो अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा मोबाइल से कैसे चेक करोगे। तो जिस तरह से आप गूगल या क्रोम ब्राउजर कोई भी जो है आप यूज करते हैं तो उस पर आपको टाइप कर देना है। पता क्या टाइप करना है आपको, आपको टाइप कर देना है यूपी स्कॉलरशिप। तो आपको अपने सर्च ब्राउजर में आपको क्या करना है, आपको टाइप कर देना है upscholarship.in.gov.in टाइप करके आपको इंटर कर देना है। जैसे ही इंटर करोगे उसके बाद आपके सामने नया इंटरफेस आ जाएगा। तो कुछ गाइस देख सकते हो कुछ इस तरह से आपके सामने साइड खुल जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो स्कॉलरशिप upscholarship.gov.in टाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा स्टूडेंट का। तो आपको क्या करना है, स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ये स्टूडेंट वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर फ्रेश लॉगिन सर्वर 2, फ्रेश लॉगिन सर्वर 3 और फ्रेश लॉगिन सर्वर 4, रिन्यूअल 1st, 2nd, 4 तक होगा, जो भी आप हैं उसमें लॉगिन कर लें। तो यहाँ पर आपको अगर फ्रेश बन पर क्लिक करोगे, अगर आप प्री मेट्रिक स्टूडेंट हैं तो प्री मेट्रिक स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे, अगर इंटरमीडिएट स्टूडेंट हैं तो उस पर क्लिक करेंगे, अगर आप पोस्ट मेट्रिक बीए आपने सपोज करो बीए कर रखा है, बीए सेकेंड ईयर है तो उस पर यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पर मैं फिलहाल ग्रेजुएशन वालों का दिखा रहा हूँ, अगर आप इंटर में हैं तो इंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन वाले जो स्टूडेंट उस पर क्लिक करके आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना अपना है। जब आपने स्कॉलर अप्लाई करवाया था तो वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला होगा, यहाँ पर आपको अपनी जन्मतिथि डाल देना है। नीचे आपका जो भी पासवर्ड बनाया होगा जब अप्लाई किया था आपने स्कॉलर तब आपको मिला होगा, वो वाला आपको पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो कैप्चा दे रखा है इसमें भर के आपको सबमिट करना है यहाँ पर। अब क्या करना है, आपको सबमिट कर देना। मैंने यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज के लिए रजिस्ट्रेशन और जन्मतिथि छिपा दी है। अब यहाँ पर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके बाद ये सारा आपको डिटेल दिखाया जाएगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जिला, शिक्षण संस्थान आपका, किस कॉलेज में एडमिशन है, वर्ग आपका, कैटागिरी दिखाया जाए, छात्र का नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि। मैंने यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज के लिए छिपा दी है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो देख सकते हो यहाँ पर आवेदन की स्थिति जाने, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आवेदन की स्थिति वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको कॉर्नर में, गाइज आपको बता दें अगर आप लोग मोबाइल से देख रहे हो तो आपको हर बार डेस्कटॉप साइड लगाना पड़ेगा, मोबाइल में डेस्कटॉप साइड होती है तो लगाना पड़ेगा। मैं फिलहाल लैपटॉप में इसको खोल रहा हूँ तो हमें डेस्कटॉप साइड लगाने को नहीं पड़ती। डेस्कटॉप साइड का मतलब होता है जिस तरह से लैपटॉप में स्क्रीन दिखाई जाती है उसी तरह से आपको मोबाइल में भी दिखाई जाएगी। तो यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, वो आपको अलाउ करना पड़ेगा। तो जैसे ही क्लिक करोगे और पॉपअप अलाउ करोगे कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा, आपका सारा डिटेल दिखाया जाएगा, कहाँ कहाँ से वेरीफाई है, आपका वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है, आप कितने क्लास में पढ़ते हो, यहाँ पर कॉर्नर पर दिखाया जाएगा। जैसे कि गाइस हमने यहाँ पर जो है थोड़ा हाइड कर दिया है, यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि आप कितने क्लास में पढ़ते हो, छात्र का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या, सारा कुछ दिखाया जाएगा और कहाँ कहाँ से वेरीफाई हो गया है। अगर इस तरह से आपका सारा 4-5 चरण होते हैं, अगर आपका वेरीफाई है तो इसका मतलब स्कॉलर आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो गाइस इस तरह से आप लोग स्कॉलरशिप चेक कर सकते हो, आप लैपटॉप से मोबाइल से भी चेक कर सकते हो। मोबाइल से चेक करने का गाइस यहाँ पर एक कॉर्नर पर आपको हर बार डेस्कटॉप साइड लगानी पड़ेगी। तो जैसा कि गाइस आप लोगों को बता दें मोबाइल में यहाँ 3 डॉट होते हैं, उस पर क्लिक
करके एक नीचे यहाँ पर डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन आता है, तो हर बार आपको लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप चेक कर पाओगे, उसमें स्क्रीन लैपटॉप जैसी दिखाने लगती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, इससे पहले हम वीडियो आपको बना चुके हैं कि किस तरह से आपका पास हुआ या नहीं हुआ, तो वो भी वीडियो देख सकते हो। तो थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।